उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के द्वारा जिला मुरादाबाद की पुरानी सभी इकाइयों को भंग करने के पश्चात आज जिला मुरादाबाद में जिले की नई इकाइयों का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नव नियुक्त जिला अध्यक्ष कमल कुमार सक्सेना, जिला महामंत्री मनोज कुमार जैन, रमन चावला, जिला उपाध्यक्ष सलीम हुसैन, उपाध्यक्ष पुष्कर सहगल, जिला संगठन मंत्री इम्तियाज हुसैन, जिला मंत्री मोहसिन, जिला मंत्री कमल कुमार, जिला मंत्री राजीव रस्तोगी, संगठन मंत्री तारिक जैदी, जिला मंत्री आफताब खान, जिला सदस्य घोषित कर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों को मनोनयन पत्र देकर व्यापार मंडल के प्रति एवं अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपने पद के प्रति निष्ठावान बने रहने की शपथ ग्रहण कराई। मेरठ से पधारे वरिष्ठ व्यापारी कैलाश चंद्र के द्वारा भी सभी व्यापारी बंधुओं को एकता का मंत्र दिया। व्यापारी एक रहेंगे तब तक उनका किसी भी विभाग के द्वारा उत्पीड़न नहीं किया जा सकता और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश ने सभी व्यापारी बंधुओं को पधारने पर हार्दिक धन्यवाद किया। मेरा नाम लोकेश कुमार अग्रवाल है। मैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। पिछले काफ़ी समय से मुरादाबाद में व्यापार मंडल की इकाई काम नहीं कर रही थी, इसलिए आज जयदेव जी और कमल जी के नेतृत्व में मुरादाबाद में जिला इकाई का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। श्री जयदेव जी को प्रदेश का मंत्री मनोनीत किया गया है और श्री कमल सक्सेना जी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान समय में व्यापारी भारी समस्याओं का संकट का सामना कर रहा है। GST एक ऐसी बीमारी है जिसमें सरकार ने सारा काम अपने अधिकारियों का और कर्मचारियों का व्यापारी के जिम्मे सौंप दिया है। 1,87,000 करोड़ रुपया GST एक माह में इकट्ठा करके देने के बाद भी अप्रैल में रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था, मगर GST विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार का पैसा नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने सरकार को गुमराह कर सर्वे और छापे की कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया है। व्यापार मंडल इस प्रोग्राम का छापेमारी की घोर निंदा करता है, विरोध करता है और सड़कों पर उतरकर इन अधिकारियों का घेराव करने का और बाजार से भगाने का काम करने की घोषणा करता है। GST में हमारा सारा डाटा विभाग के पास है, ऑनलाइन सिस्टम विभाग के पास अपलोड है। अगर किसी आदमी ने कोई भी गलत जानकारी दी है तो उसे जाँच करने का तंत्र सरकार के पास मौजूद है। अगर किसी गलत आधार कार्ड पे, गलत पैन कार्ड पे, गलत कागजों के आधार पर GST का रजिस्ट्रेशन किसी ने करवाया है तो वो किसी व्यापारी की कमी नहीं है, वो भ्रष्टाचार की एक ऐसी बेल है जो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आगे फल फूल रही है, जिसका नुकसान व्यापारियों को भी उठाना पड़ता है। ऐसे भ्रष्ट तंत्र और गलत काम करने वाले व्यापारियों का व्यापार मंडल विरोध करता है और सरकार ने अपने फेलियर ऑनलाइन जांच की कमियों को छुपाने के लिए अपना फेलियर जनता के सामने ना जाए व्यापारियों के खिलाफ सर्वे और जांच की कार्रवाई शुरू की है, जो बिल्कुल गलत है। इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा और पूरी तरीके से सरकार के अधिकारियों को सड़क पर उतरकर दौड़ाने का काम व्यापार मंडल करेगा। इसी कड़ी में आज एक सशक्त व्यापार मंडल की कल्पना करते हुए मुरादाबाद में जिला व्यापार मंडल की कमेटी की घोषणा की है और मुझे विश्वास है कि ये कमेटी अपने साथ मुरादाबाद के व्यापारियों को जोड़कर पूरे जनपद में व्यापारी हितों की और व्यापारी सम्मान की रक्षा करने का काम करेगी।